हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में को बताने वाला हूं कैसे आप इस तरह के अमेजिंग कलर में अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। सो गाइस, जो आपको स्क्रीन में फोटो दिख रही है, समझिए कलर टोन काफ़ी अमेजिंग है। फोटो में आपको एकदम मेरा ब्राउन कलर टोन दिख रहा है गाइस, जिससे फोटो काफ़ी क्लासिक दिख रही है। एंड गाइस, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कैसे आप इस तरह के अमेजिंग कलर में फोटो को एडिट कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैंने एक लाइट रूम का प्रीसेट दे रखा, लेकिन उस प्रीसेट में पासवर्ड लगा, तो वो पासवर्ड क्या आपको बता दूंगा वीडियो के बीच में। तो वीडियो को बड़ा लास्ट से देखिए। और गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, लाइक कर लीजिए उससे पहले, इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सही है गाइस, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गो फॉर इट। ऑलराइट, सो गाइस, यहां पर देख लीजिए, मैं लाइट रूम के एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूं गाइस, ठीक है। तो आपको लाइट रूम की ऐप ओपन करनी है। जैसे लाइट रूम की ऐप ओपन करोगे तो यहां पे ऑल फोटोज का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है ऑल फोटोज पे। एंड यहां पे आपको अपनी खुद की फोटो को इंपोर्ट करना है जिसे आप एडिट करना चाहते हो। तो यहां पे देख लीजिए, मैंने पहले से कुछ फोटो यहां पे ऐड कर रही है, ठीक है, जो एकदम रॉ फोटो है, ठीक है, जो आप किसी भी ग्रीन बैकग्राउंड में क्लिक कर सकते हो। इस तरह की फोटो अपनी लाइट रूम की ऐप में ऐड कर लीजिए। फोटो को ऐड करने के बाद आपको चाहिए होगा एक प्रीसेट, एंड जो प्रीसेट यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हो उसमें पासवर्ड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रीसेट को कर लिया इंपोर्ट गाइस, जिसका नाम है ब्राउन कलर टोन गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीसेट है इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रीसेट इंपोर्ट हो चुका है। तो प्रीसेट को मैंने किया ओपन गाइस, जिसका नाम है ब्राउन कलर, काफ़ी प्रीमियम कलर टोन है इस प्रीसेट के। देख लीजिए बैकग्राउंड जो कलर है काफ़ी स्मूथ आ रहा है ब्राउन में। और यहाँ पे सबसे पहले इस प्रीसेट की सेटिंग कॉपी करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक कर लीजिए ऊपर, एंड यहाँ पे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। कॉपी सेटिंग टिक करेंगे एंड बैक पे जाएंगे सिंपली। उसके बाद अपनी फोटो लेंगे जैसे हम एडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस वाली फोटो को लूँगा एंड थ्री डॉट पर क्लिक करा पेस्ट सेटिंग। पेस्ट सेटिंग करते ही फोटो काफ़ी अमेजिंग बन चुकी है। बैकग्राउंड में जो कलर है काफ़ी अमेजिंग आ रहा, क्योंकि जो पीछे जो ग्रीन एरिया था गाइस, ठीक है, वो एकदम ब्राउन बन चुका है और फोटो काफ़ी सही दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं किसी यानी इस वाली फोटो को लूँगा, थ्री डॉट पर क्लिक करा, थ्री डॉट पर क्लिक करा पेस्ट सेटिंग, लोड ले रही है, ठीक है। थ्री डॉट पर क्लिक करा पेस्ट सेटिंग, फोटो काफ़ी सही बन जाएगी। क्लिक में देख लीजिए बैकग्राउंड काफ़ी अमेजिंग बन चुका है, एकदम ना प्रोफेशनल फोटो लग रही है, ठीक है। और एक क्लिक में बन चुकी है एडिट, एक क्लिक में एडिट हो चुकी है। बिफोर एंड आफ्टर आपको स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं इस फोटो को लूँगा, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड एकदम ग्रीन है और ऊपर स्काई दिख रहा है, ठीक है, तो थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे पेस्ट सेटिंग, तो ये भी काफ़ी सही बन जाएगी। देख लीजिए काफ़ी यार अमेजिंग दिख रही है, एकदम यार अमेजिंग यानी यूनिक प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग दिख रही है आपको यहाँ पे। और इस प्रीसेट की मदद से आप सेम कलर टोन लेकर आ सकते हो फोटो में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मैनुअल सेटिंग भी कर सकते हो, जिससे कि आपके जो कलर है ना वो एडजस्ट हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इस कलर के ऑप्शन पे, एंड यहाँ से मैं टेम्परेचर की वैल्यू को थोड़ा सा अगर मैं माइनस करूँगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा माइनस, यहाँ पे देख लीजिए बैकग्राउंड जो स्काई है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको प्लस करूँगा, ठीक है, ये देख लीजिए बैकग्राउंड में स्काई यहाँ पे आ रहा है, जिससे फोटो और भी सही दिख रही है यहाँ पे। थोड़ी सी लाइटिंग बढ़ाएंगे फोटो में, लाइट में जाएंगे, एंड यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा सा प्लस करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए प्लस करता है ना, बैकग्राउंड में जो लाइट आ चुकी है यानी स्काई एकदम ब्लू सा हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इस तरह की फोटो भी एडिट कर सकते हो, यानी कि यार इस तरीके कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे। और कलर को एडजस्ट कर सकते हो इस कलर के ऑप्शन को यूज़ करने के बाद यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, जिससे आप अपने फोटो में थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ा सकते हो। क्योंकि क्लियरिटी को इंक्रीज़ करूँगा तो क्लियरिटी बढ़ जाएगी फोटो में। डी ही इसको बढ़ाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए फोटो और भी यहाँ पर सही दिख रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्वायर के ऑप्शन को यूज़ करने के बाद अपनी फोटो में क्लियरिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो, जिससे कि आपकी फोटो और भी सही दिखे। प्रीसेट में जो पासवर्ड आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस पासवर्ड को एंटर कीजिए, उसका प्रीसेट आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आसानी से इस प्रीसेट को यूज़ कर सकते हैं फोटो में। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगली एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टेडी हूँ विद नेक्टेक।